गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। सूरत के कई इलाकों में फायर ब्रिगेड और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 500 लोगों को शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में जामुनी नदी की बाढ़ में फंसे लोगों के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। अलग अलग जगहों पर फंसे 5 लोगों के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड्स की टीम तेज बहाव में मदद के लिए पहुंची। महाराष्ट्र के लोनावला में भारी बारिश के कारण मालवली इलाके में फंसे 30 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू। बारिश के कारण आज और कल स्कूलों में छुट्टी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ से 120 गांव के 20,000 लोग प्रभावित। 5 दिन से बंद है नेशनल हाईवे 30। गुजरात के नर्मदा जिले में भारी बारिश के कारण करजन डैम का बढ़ा जलस्तर। डैम के 4 गेट खोलकर छोड़ा गया 50,000 क्यूसेक पानी। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश से नदियां उफान पर। कृष्णा नदी पर बना पुल एक हिस्सा उसका बह गया। स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह। जूनागढ़ में 19 में से 16 डैम ओवरफ्लो। शाहपुर वियर डैम के सभी 10 गेट खोले गए। गुजरात के आणंद में भारी बारिश से रिहायशी इलाकों में भारी बारिश का एसडीआरएफ टीम ने 200 लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से जगह जगह भर गया पानी। सड़कें डूब गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी। सड़कें हो गई जाम। द्रास में विजय दिवस की रजत जयंती समारोह का आज दूसरा दिन। करगिल युद्ध में विजय के 25 साल होने पर मनाया जा रहा है 3 दिन का भव्य समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल द्रास में विजय दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के मद्देनजर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। संसद में बजट सत्र का चौथा दिन आज भी सदन बजट पर चर्चा लगातार रहेगी जारी। बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष। कर्नाटक विधानसभा में एमयूडीए घोटाले को लेकर विपक्ष के विधायकों का दिन से रात तक प्रदर्शन। विधानसभा में चादर और तकिया लेकर पहुंचे विधायक। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर गृह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। विपक्ष ने कथित घोटाले पर चर्चा की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंच सकती हैं। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। आज बिहार में विपक्षी दलों का राजभवन मार्च। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर मार्च। तेलंगाना विधानसभा में आज पेश होगा बजट। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमा दोपहर 12 बजे बजट पेश करेंगे। झारखंड सरकार ने 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लगाई गई मुहर। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के नामकरण में संशोधन की मंजूरी दे दी।